आज हम विद्युतीय विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। विद्युतीय विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक डिफिनेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन विद्युतीय विभव से पहले एक दो टर्म और जानना जरूरी है। जैसे ये एक टर्म आता है विद्युतीय क्षेत्र, ये विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके बारे में भी हम लोग पहले देख लेते हैं। विद्युतीय क्षेत्र क्या है? तो विद्युतीय क्षेत्र कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में कोई भी दूसरा आवेश अगर प्रवेश करता है तो इस पर विद्युतीय बल लगाने का काम करता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश प्रवेश करेगा तो क्या लगेगा? विद्युतीय बल लगने लगता है, उसी को हम लोग क्षेत्र कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या? इट इज ए स्पेस अराउंड द पॉइंट चार्ज इन विच अनदर, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द अनदर चार्ज। जिसमें कोई अगर अनदर चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? एग्जर्ट होता है। ये विद्युतीय क्षेत्र, तो ये विद्युतीय क्षेत्र कुछ नहीं, ये एक तरीके का एरिया है जो एक तरीके का क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज प्रवेश करे। अब इसमें हम देखते हैं एक टर्म आता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इसको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होता है? ये कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज हो, इस चार्ज के चारों ओर एक अपना एक क्षेत्र होता था जिस क्षेत्र में कोई भी दूसरा आवेश प्रवेश करता था तो इस पर विद्युतीय बल लगता था। अब क्या है कि विद्युतीय बल लगेगा तो विद्युतीय बल का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो होगा। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी चेक करने के लिए यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। मान लेते हैं ये दूरी आर है, कुछ नहीं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज फोर्स एग्जर्टेड ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब इकाई धन आवेश पर, ये प्लस वन चार्ज पर जो विद्युतीय बल आरोपित होता है उसी को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छा मान लीजिए जैसे कोई चार्ज क्यू चार्ज ला के रखा, तो क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? अब देखिए क्यू चार्ज पर अगर एफ फोर्स एग्जर्ट हुआ यानी क्यू आवेश पर अगर एफ बल लगा तो इकाई धन आवेश पर कितना बल लगेगा? ये एफ बटे क्यू, इसी इकाई धन आवेश पर जो बल लगता है इसी को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इट इज फोर्स एग्जर्टेड ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यानी इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को क्या बोलते हैं? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। क्यू चार्ज पर अगर एफ फोर्स लगा तो यूनिट चार्ज पे एफ बाई क्यू, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही रख लो, इस पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, टी इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो चलिए ये एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। या कूलम के नियम से अगर इन दोनों का विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हम निकालना चाहें तो देखो एफ का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, चूंकि एयर के लिए इप्सिलॉन नॉट आएगा, क्यू इंटू क्यू, क्यू वन इंटू क्यू टू, क्यू वन की जगह कैपिटल क्यू, क्यू टू की जगह स्मॉल क्यू, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ का वैल्यू अगर हम रख दें तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू, ये क्या कैंसिल हो जाएगा? ई इक्वल टू बचेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना बचेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू बचेगा सीधा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है।
इसका यूनिट देखेंगे तो क्या देगा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी होता है इसका यूनिट कुछ नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो 1/4 π इसमें क्यू इंटू वन टू क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। एक बात हम लोग ख्याल रखेंगे, प्रायः विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ही हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कह देते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, इसी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं करके सिंपल विद्युतीय क्षेत्र कह के काम कर लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम लोग सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कह के काम चला देते हैं, यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को विद्युतीय क्षेत्र कह के काम चला देते हैं, प्राय इसी तरीके का उपयोग किया जाता है। अब है कि विद्युतीय विभव का डिफिनेशन अगर पूछेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, विद्युतीय विभव का डिफिनेशन अगर पहले लिखना हो तो लिख लेंगे तो कुछ नहीं, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को उस बिंदु पर का विद्युतीय विभव कहते हैं। अंग्रेजी में लिखना हो, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। जैसे देखिए, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज एक क्यू है, इसके आरओ ओर का एक स्पेस है जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र को दिखा रहा, विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं और ये इनफिनाइट से खींचते खींचते इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने का प्रयास करते हैं। इस बिंदु तक लाने में जो क्या, इस पॉइंट को अगर हम ओ मान लें, इस पॉइंट को अगर हम पी मान लें और इन दोनों के बीच की दूरी को अगर आर मान लें, तो इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है ना, उसी को इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जो अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनाइट से इस पॉइंट तक लाया है, तो इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। फिर से देख ले, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको उस बिंदु पर का क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट तक लाओगे, उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी एक अदिश राशि है जिसमें कोई दिशा वैसा नहीं होता। तो अच्छा, यहाँ अगर लाएंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब धकेलने का काम करेगा। उसके बावजूद भी हम अंदर खींचका के लाएंगे, देखो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, चूँकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम उसके विपरीत दिशा में कर रहे हैं। तो देखो, वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, तो dW इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो थीटा कितना, तो 180। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता कितना, -1। हम -1 पुट कर देंगे, ये माइनस एफ डी एक्स। ये वर्क डन हुआ लेकिन सिर्फ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का, सिर्फ छोटे से डिस्प्लेसमेंट का। हमको लाना कहाँ था, इनफिनाइट से लाना था और पॉइंट पी तक लाना था। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फोर्स का वैल्यू लिखना चाहेंगे। एफ कितना, तो 1/4 π इप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू वन, तो क्यू डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर हम एक्स लेट कर ले, क्या जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो dW इक्वल टू हो जाएगा 1/4 π इप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो चूंकि ये स्मॉल वर्क डन है, तो हमको इनफिनाइट से इस पॉइंट तक लाना था, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या हिंदी में लिखोगे तो लिख देंगे दोनों ओर समाकलित करने पर, और उसका प्रॉपर लिमिट लेते हैं।
तो प्रॉपर लिमिट का मतलब ये कि इसका जो वेरिएबल है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे। देखो तो शुरुआत में ये इन्फिनाइट पे था, लेकिन लास्ट में हम पी पॉइंट पर लाए तो इन्फिनाइट पे था, तो डिस्टेंस इन्फिनाइट था। जब पी पॉइंट पर आ गया था डिस्टेंस कितना बचा आर, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस से आर डिस्टेंस तक लाए। अब देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है वो बाहर निकल जाता, चूंकि उसका इंटीग्रेशन वगैरह होता नहीं है, तो क्या बचा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये इन्फिनिटी टू आर। अगर आप लोग को इंटीग्रेशन वगैरह आता, अब इस डायग्राम को हम मिटा लेते हैं, अगर आप लोग को इंटीग्रेशन वगैरह भली भांति आता हो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो अपना इंटीग्रेशन सीख लेंगे। ये डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता क्या, ये डी एक्स बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ये माइनस वन बाय एक्स आएगा, और ये अपर लिमिट को ऊपर लिखेंगे और लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ये वन बाय एक्स, ये इन्फिनिटी पे जाएगा और ये आर पे आएगा, तो ये वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स के जगह एक बार अपर लिमिट माइनस, ये इंटीग्रेशन का रूल है जो इंटीग्रेट होके आता है उसके जगह एक बार अपर लिमिट फिर माइनस उसी की जगह एक बार लोअर लिमिट, ये अगर सही से लिखेंगे तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। और तुमको बताए थे जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल कहलाता है, और पोटेंशियल को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। यही हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। इसको भली भांति अगर गौर से देखेंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या आया, ये ओ पॉइंट पे था, ये पी पॉइंट पे था, और दोनों के बीच का डिस्टेंस था। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू के कारण अगर पॉजिटिव पॉइंट पी पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो कुछ नहीं, जिस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है ना उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, और इस चार्ज के कारण जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, और ये किसके रूप में आता है कॉन्स्टेंट के रूप में आता है। आज भर इतना ही, इससे आगे हम कल बढ़ेंगे, ठीक, ओके।